हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज इस वीडियो में बात करेंगे आज के क्रेडिट सेटअप के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम यूएस मार्केट के बारे में बात करें तो कल हमें तीनों ही इंडाइसेस में एक रैली देखने को मिला और नैस्डैक हमें अपने लाइफ टाइम हाई यानी 11,000 पॉइंट्स के जस्ट नीचे क्लोज होता हुआ दिखा। हम डाउ 30 और S&P 500 के केस में यहाँ पे एक पॉजिटिव रैली को देख सकते हैं, जबकि इनके फ्यूचर लेवल्स में करंटली हमें एक फ्लैट ट्रेंड दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ADP रिसर्च रिपोर्ट यहाँ पे सामने आया है, जिससे हमें यहाँ पे जॉब डिमांड में एक इंक्रीमेंट करंट सिनेरियो में देखने को मिल रहा है। अगर हम गोल्ड ट्रेडिंग के बारे में बात करें तो ये करंटली $2,000 के ऊपर आ चुका है और ये करंटली $2,040 पर आउंस के रेट पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। इसके बाद अगर हम एशियन मार्केट के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमें जापान के केस में यहाँ पे इंडेक्स फ्लैट ओपन होता हुआ दिखा, जबकि हम साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के केस में यहाँ पे इंडेक्स को अपसाइड में यहाँ पे ओपन होता हुआ देख सकते हैं। आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंग्लैंड अपने मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन को यहाँ पे अनाउंस कर सकते हैं, जिसके वजह से हमें NSE और FTSE 100 में थोड़ी सी हलचल यहाँ पे लेटर हाफ में दिखाई दे सकता है। इसके बाद अगर हम SGX निफ्टी के बारे में बात करें तो ये आज 0.46% अपसाइड के साथ ओपन हुआ, जबकि हमें निफ्टी 50 के फ्यूचर लेवल्स में करंटली एक फ्लैट ट्रेंड दिखाई दे रहा है। तो मोस्टली आपको निफ्टी 11,100 के ऊपर ही फ्लैट ओपन होता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसके बाद हमें दिन भर इसमें एक कंसोलिडेशन यहाँ पे दिखाई दे सकता है। अगर हम Q1 अर्निंग्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे आज ल्यूपिन, पिडिलाइट, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, वोडाफोन आइडिया, अदानी एंटरप्राइज, अदानी पावर, ब्लू स्टार, डालमिया भारत, दीपक नाइट्राइट, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, हनीवेल ऑटोमेशन, IFB इंडस्ट्रीज, JK टायर, KEI इंडस्ट्रीज, लेमन ट्री होटल्स और matrimony.com जैसी कंपनी आज अपने क्वार्टरली अर्निंग्स रिपोर्ट को यहाँ पे पब्लिश कर सकते हैं। तो आपको इन सब कंपनीज के रिजल्ट के ऊपर अपना फोकस यहाँ पे बनाए रखना है। अगर हम कल अनाउंस हुए Q1 रिजल्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे हम अपोलो टायर का Q1 रिजल्ट को देख सकते हैं। इसके नेट रेवेन्यू में हमें इस बार 33.7% का एक डिक्लाइन देखने को मिला है, जो कि करंटली 2,873.4 करोड़ पे यहाँ पे देखा गया है, जबकि हमें इसके नेट प्रॉफिट में एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप देखने को मिला है, जो कि लास्ट टाइम प्रॉफिट डिक्लेयर हुआ था वो इस बार 134.6 करोड़ का यहाँ पे लॉस हमें देखने को मिल रहा है। हमें इसके EBITDA और EBITDA मार्जिन में एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। हम EBITDA के केस में 50.1% का डिक्लाइन को देख सकते हैं, जबकि हमें EBITDA मार्जिन के केस में यहाँ पे ऑलमोस्ट 2.74% का एक डिक्लाइन इस बार देखने को मिल रहा है। EBITDA इस बार 237.2 करोड़ पर देखा गया है, जबकि हम EBITDA मार्जिन को इस बार 8.26% पे देख सकते हैं। तो इसे देखते हुए आज आपको अपोलो टायर्स में थोड़ी सी सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दे सकता है, तो आप इस स्टॉक के ऊपर इनिशियल ट्रेडिंग आवर में अपना नजर बनाए रख सकते हैं। इसके बाद अगर हम DLF के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हमें इसके Q1 रिजल्ट में एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके नेट रेवेन्यू में हम इस बार 58.8% का एक शार्प फॉल को देख सकते हैं। ये इस बार 548.6 करोड़ पे देखा गया है, जबकि इसके नेट प्रॉफिट में हमें मोर देन 100% का एक डिक्लाइन देखने को मिला है, जिसका मतलब है लास्ट टाइम कंपनी ने प्रॉफिट डिक्लेयर किया था, जबकि इस बार हमें 70.7 करोड़ का एक लॉस इस बार देखने को मिला है। इसके EBITDA में हमें इस बार 99.3% का एक गिरावट देखने को मिला है, जो कि 1.7 करोड़ पे यहाँ पे देखा गया है, जबकि इसके EBITDA मार्जिन में हमें ऑलमोस्ट मोर देन 98% का एक फॉल देखने को मिला है, जो कि लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में हमें 18% पे देखने को मिल रहा था, वो इस बार 0.3% तक यहाँ पे आ चुका है, जबकि हमें इस बार एक एक्सेप्शनल गेन की वजह से 297 करोड़ का यहाँ पे एडिशन होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद हमें इस बार नेट प्रॉफिट यहाँ पे लॉस के रिपोर्ट के जरिए पब्लिश होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। तो इस कंपनी में भी हमें आज थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर दिखाई दे सकता है, तो हम इस स्टॉक के ऊपर आज अपना फोकस बनाए रख सकते हैं। इसके बाद अगर हम JK लक्ष्मी सीमेंट्स के बारे में बात करें तो इसके Q1 रिजल्ट में हमें फिर से एक रेवेन्यू में डिक्लाइन देखने को मिलेगा। इसके रेवेन्यू में हम इस बार 20.8% का एक फॉल को देख सकते हैं,
ये इस बार 825.2 करोड़ पे यहाँ पे रिपोर्ट किया गया है, जबकि इसके नेट प्रॉफिट में हमें इस बार 12.7% का एक फॉल देखने को मिला है, और ये भी हमें 44.4 करोड़ पे इस बार रिपोर्ट होता हुआ दिख रहा है। इसके इबिटा में हमें 15.6% का एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, जबकि इसके इबिटा मार्जिन में हमें इस बार एक मार्जिनल अपसाइड दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस बार नेट एक्सपेंसेस घटे हैं। इस वजह से हम लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर के मुकाबले इस बार इबिटा मार्जिन में ऑलमोस्ट 1.1% का एक अपसाइड को देख सकते हैं। इसका इबिटा इस बार 143 करोड़ पे यहाँ पे रिपोर्ट हुआ है, जबकि यहाँ पे एक एक्सेप्शनल लॉस को भी यहाँ पे रिपोर्ट किया गया है, जो कि 30 करोड़ का एक काफी बड़ा अमाउंट है। इसके बाद अगर हम आइनॉक्स लीजर के Q1 रिजल्ट के बारे में बात करते हैं, तो इसके रिजल्ट में हमें ऑलमोस्ट नेट रेवेन्यू यहाँ पे जीरो के करीब दिखाई देता है। इसके नेट रेवेन्यू में हम इस बार 99.9% का एक फॉल को देख सकते हैं, जो कि 0.25 करोड़ के यहाँ पे रिपोर्ट किया गया है। इसके प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट में हमें इस बार एक लॉस देखने को मिला है, जो कि लास्ट ईयर के क्वार्टर के मुकाबले 372% कम है। ये इस बार 73.6 करोड़ पे यहाँ पे रिपोर्ट किया गया है, तो इस वजह से आपको स्टॉक में आज थोड़ी सी सेल ऑफ दिखाई दे सकता है। इसका इबिटा हमें इस बार 77.7% के मार्जिन से घटता हुआ दिखा, जो कि 33.45 करोड़ है, और यहाँ पे मैनेजमेंट ने एक रेंटल रिडक्शन पे 69.3 करोड़ को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है, जबकि कैम चार्जेस में हमें इस बार 20.9 करोड़ का यहाँ पे एक रिपोर्ट दिखाई दे रहा है। फाइनली अगर हम अदानी गैस के Q1 रिजल्ट के बारे में बात करते हैं, तो इसमें भी आपको रेवेन्यू और प्रॉफिट में एक डिक्लाइन देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके नेट रेवेन्यू में हम लोअर कंज्यूमर डिमांड की वजह से इस बार 57.3% का एक फॉल को देख सकते हैं। ये इस बार 197.2 करोड़ पे यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है, जबकि नेट प्रॉफिट को हम इस बार 68% के मार्जिन से फॉल होते हुए 38.9 करोड़ पे हम यहाँ पे रिपोर्ट होता हुआ देख पा रहे हैं। इबिटा इस बार 53.9% के मार्जिन से घटा है, जो कि 77.4 करोड़ पे यहाँ पे देखा गया है। इबिटा मार्जिन हमें इस बार 39.2 करोड़ के मार्जिन से ग्रो होता हुआ दिखा, जो कि लास्ट ईयर हमें 36.3% पे देखने को मिल रहा था। इस बार नेट वॉल्यूम में, सेल्स वॉल्यूम में हमें मोर देन 55.8% का एक फॉल देखने को मिला है, जो कि 64 MMSCM है। ये लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में हमें 145 MMSCM पे देखने को मिल रहा था, तो इसमें भी हमें आज थोड़ी सी सेल ऑफ दिखाई दे सकता है, तो हम इस स्टॉक के ऊपर भी अपना फोकस बनाए रख सकते हैं। अगर हम इंडियन ADR और फंड फ्लो के बारे में बात करें, तो कल हमें मार्केट से काफी ज्यादा फंड यहाँ पे आउटफ्लो होता हुआ दिखा। FIIs के ओर से हमें 60 करोड़ और DIIs के ओर से हमें 426 करोड़ का फंड यहाँ पे आउटफ्लो होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पे इंडियन ADRs के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको विप्रो के केस में यहाँ पे एक मार्जिनल फॉल देखने को मिलेगा, जबकि हम दूसरे सभी स्टॉक्स में, यानी हम ऑलमोस्ट 6 स्टॉक्स में हमें एक साइडवे ट्रेंड, अदरवाइज एक मार्जिनल अपसाइड यहाँ पे जनरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप अकॉर्डिंगली इन सभी स्टॉक के ऊपर अपना आज फोकस यहाँ पे बनाए रख सकते हैं। फाइनली अगर हम यहाँ पे कुछ ट्रेंडिंग न्यूज के बारे में बात करें, तो यहाँ पे हमें HDFC लिमिटेड के QIP इशू के बारे में पता चलता है, जिसमें कंपनी ने अपने QIP इशू को अराउंड 1838.94 पे यहाँ पे डिक्लेयर किया है, और इसमें कंपनी 14,000 करोड़ का फंड मार्केट से उठा सकती है, जिसमें ये 9,000 करोड़ यहाँ पे NCD यानी कि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के जरिए यहाँ पे मार्केट से रेज कर सकती है। इसके बाद अगर हम आइनॉक्स लीजर के बारे में बात करते हैं, तो इतने बड़े लॉस को रिपोर्ट करने के बाद कंपनी अपने आप को सस्टेन करने के लिए यहाँ पे फंड रेजिंग करने वाली है। इसके बाद इसे देखते हुए बोर्ड ने 250 करोड़ का एक फंड रेजिंग प्लान को यहाँ पे अप्रूव किया हुआ है, जिसमें ये इक्विटी शेयर को इशू करते हुए, यानी कि नहीं तो अदर कोई दूसरे मेथड से मार्केट से इतनी बड़ी अमाउंट को यहाँ पे फंड रेज कर सकती है। इसके बाद अगर हम भारती एयरटेल के बारे में बात करें, तो यहाँ पे टेलीकॉम केनिया ने इसके प्रपोज्ड नेटवर्क मर्जर से यहाँ पे ऑप्ट करने से मना कर दिया है। इसके बाद अगर हम VIP इंडस्ट्रीज के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे भी बोर्ड ने
नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के जरिए मार्केट से प्राइवेट प्लेसमेंट के बेसिस पे 50 करोड़ का फंड को यहाँ पे फंड रेज करने के बारे में सोचा है, तो आपको यहाँ पे भी एक फंड रेजिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अपोलो टायर्स के केस में हम इस बार 1000 करोड़ का एक नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के जरिए फंड रेजिंग प्लान को देख सकते हैं, जबकि हमें कन्वर्टेबल प्रिफरेंशियल शेयर के जरिए यहाँ पे कंपनी 540 करोड़ का यहाँ पे फंड एमरल्ड सेज इन्वेस्टमेंट फंड से यहाँ पे रेज होता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। आज अल्केम लेबोरेटरीज की ओर से काफी बड़ी खबर हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसने फाविफ्लाविर नाम का एक ब्रांड को अफ्लुएंजा के नाम से यहाँ पे कोविड 19 के वैक्सीन के ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे अनाउंस किया हुआ है। तो इस स्टॉक में भी आज तो थोड़ी सी पॉजिटिविटी यानी हमें बाइंग दिखाई दे सकता है, तो हम इस स्टॉक के ऊपर भी मार्केट आर्ट्स में अपना नजर बनाए रख सकते हैं। फाइनली अगर हम इंटरग्लोब एविएशन यानी इंडिगो के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे भी हमें एक फंड रेजिंग प्लान देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें एयर ट्रैफिक में पिछले कुछ महीनों में एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप दिखाई दिया है, तो इस वजह से कंपनी को यहाँ पे फंड रेजिंग के बारे में यहाँ पे सोचना पड़ रहा है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे आप लाइक कर सकते हैं, और आप हमारे इंट्राडे स्टॉक वॉच लिस्ट को यहाँ पे नीचे चैनल में यहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, जिससे आपको आज के लिए इंट्राडे स्टॉक्स को पिक करने में आसानी हो सकती है। इन केस अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल पे ऑल को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपको हमारी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।